للمتقين والجنة للموحدين والنار للكافرين المشركين الملحدين العاصين ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدا الممجد بشير المسدد نذير المؤيد المصطفى الأمجد محمود الأحمد مولانا ومقتدانا وهادينا وناصرنا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى آن قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد الله بدأ خلق منائعا ثم فتق نوري فخلق منه العرش ثم فتق نور ابن أخي فخلق منه الملائكة ثم فتق نوري بنتي فخلق منه السماوات والأرض ثم فتق نور ابن الحسن فخلق منه الشمس والقمر ثم فتق نور ابن الحسين فخلق منه الجنة وحور العين صلوات بيجي محمد وعلي محمد محبان حیدر کرار شیعان اہل بیت ماتمداران مظلوم کربلا شکر ہے اس معبود حقیقی مالک بحر و بر خالق خشک و تر کا کہ اس نے آج ہم کو جس عبادت اور جس فریضے سے منسلک کیا ہے اس عبادت اس فریضے کا نام ہے ذکر حسین جس فرش سے ہمیں وابستہ کیا ہے اس فرش کا نام ہے فرش حسین جس ذریعے سے ہم
एक दूसरे से महव गुफ्तगू हैं, उस जरिए का नाम है हुसैन। हम एक दूसरे से बाहम करीब हैं, उस तरीक़े का नाम है हुसैन। जिस मारिफत से हम मिल रहे हैं, उस मारिफत का नाम है हुसैन। जिस मंजिल पर है, उस मंजिलत का नाम है हुसैन। जिस शरफ से वाबस्ता हैं, उस शरफ का नाम है हुसैन। जिस रुतबे से हम कनार हो रहे हैं, उस आली मर्तबत ज़ाते गिरामी का नाम है हुसैन। जिसने दरमियानी फासलों को कुर्बतों में तब्दील कर दिया, उस आली ज़ात और बाबरकत बाकमाल ज़ाते गिरामी का नाम है नाम हुसैन। जिसने कौमों मिल्लतों मसलकों ममलकतों के इख्तलाफ को ख़त्म कर दिया, उस ज़ाते आली सिफात का नाम है नाम हुसैन। जिसने मसलकों की दीवार को गिरा दिया, उस जरी और सूरमा का नाम है हुसैन। जिसने आपस में चरागे मोहब्बत व मवद्दत को जला दिया, उस सूरमा का इसमें गिरामी है हुसैन। जिसने शुजात व बहादुरी के परचम लहरा दिए, उस सूरमा का इसमें गिरामी है हुसैन। जो शुजात व करामत व बरकतों का पयंबर है, उसका नाम है नाम हुसैन। जो अजीम सब्र का रहनुमा बना, उस साबिर इमाम का नाम है नाम हुसैन। जिसने इबादतों का सलीका दिया, उस सलीका शियार का नाम है नाम हुसैन। जिसने मसायब व आलाम में सब्र व शिकीबाई से हम कनार कर दिया, उस ज़ाते गिरामी का नाम है नाम हुसैन। इसीलिए जोश में नहीं बड़े होश में मुतालिया करने के बाद तमाम नशेब व फराज को देखते हुए शायर इनकलाब जनाब जोश मलिह आबादी ने कहा कि जिसकी रगों में आतिशे बद्रो हुनैन है, उस सूरमा का इसमें गिरामी हुसैन है। सलवात भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तकरीबन एक सदी पहले जब इस सरजमीन के ऊपर चरागे मोहब्बत जलाया गया, तो वो चरागे मोहब्बत व मवद्दत जलाने वाले इसी बस्ती के अफराद थे। लेकिन वादा लिया गया था आलम सरिश्त में, आलम बहिश्त में, कि तुमने हमारी मोहब्बत का आलमबरदार बनकर उस सरजमीन पर जाना है। बज़ाहिर जो मुझे यहाँ की तारीख मालूम हुई है वो ये कि वो आने वाले 17 अफराद थे जिन्होंने कानों के दर खोल दिए, कानों के दर खोलने का मतलब मैं अपनी जबान में जो समझ पाया हूँ कि कान हो मगर बंद ना हो। तो जब 17 अफराद ने कानों के बंद तालों को खोला तो ये कानों दर बन गया, और जब 72 ने सर चश्मे मारिफत से सर जमीने करबला को रोशन व मुनव्वर किया, तो गोया ये 17 अफराद यहाँ की आजादारी के मंबा व मरकज बन गए, वो कायनात के लिए रहबर व हादी बन गए। इन्होंने यहाँ की आजादारी की तरफदारी की है, उन्होंने शरीयत मुताहिरा की आबियारी की है। यही वजह है कि दरे हुसैन पे अगर बिगड़ा हुआ नसीब लेकर आए तो मुकद्दर ले ले, आसमान वाले अगर बे बालों पर आए तो पर ले ले, बे औलादा आए तो पिसर ले ले। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखिए हर इबादत खाने के कुछ उसूल हैं, हर इबादत खाने के लिए कुछ शरायत हैं, हर इबादत खाने के लिए कुछ हुदूद हैं, कुछ हुदूद हैं, कुछ कयूद हैं, कुछ शरायत हैं।
मस्जिद में अगर जाना चाहते हैं, न सही टोपी, न सही दाढ़ी, न सही गमछा, न सही कुर्ता पजामा, लेकिन शरीयत मुताहिरा कहती है कि मस्जिद में सिर्फ वही आ सकता है जो दायरे इस्लाम में दाखिल हो गया हो। अच्छा ठीक है, मस्जिद में सिर्फ वही इबादत अंजाम दे सकते हैं जिन्होंने सजदे के लिए अपने सर को आमादा कर लिया। मंदिर में क्या जा सकते हैं सजदा करने वाले? कहा नहीं, अगर पूजा पाठ का इरादा हो तो मंदिर में जाएं। ठीक है, चलो हम पंजाब से आए हैं और पंजाब में गुरुद्वारा है, वहां गुरु का द्वार, गुरुद्वारा गुरु का द्वार, तो वहां चलें। अब जो वहां पहुंचे, सर नंगा था, पैरों में जूते थे, कहा जूते उतार दीजिए, सर के ऊपर कपड़ा रख लीजिए। क्यों? कहा गुरु की बारगाह में नंगे सर नहीं जा सकते। चलें कलेसा चलें, वहां भी मालूम हुआ हुआ कि आप जा तो सकते हैं मगर इबादत कर नहीं सकते। हिंदू मस्जिद में नहीं जा सकता, मस्जिद वाला इबादत करने के लिए मंदिर में नहीं जा सकता, गुरुद्वारे वाला चर्च में इबादत करने के लिए नहीं जा सकता, चर्च वाला इबादत करने के लिए मस्जिद में आ नहीं सकता। लिहाजा कोई दर तो ऐसा हो भाई, कोई मकाम तो ऐसा हो कि जो दुखी इंसानियत का मारा हुआ मुस्तरिब इंसान बैठ करके अपने दिल की बात कह सके, जो किसी से हम कलाम हो सके। वहां जाने के लिए जरूरी है, सामने मस्जिद है, कि आप बावजू होकर मुसल्ले इबादत पर पहुंचे, एक इंच भी इधर से उधर ना हो जाए, एक इंच भी इधर से उधर ना हो जाए, वरना नमाज नहीं होगी। गुरुद्वारे में जाने के लिए जरूरी है कि सर ढका जाए, मंदिर में जाने के लिए जरूरी है कि तिलक लगाया जाए, सलीसा में जाने के लिए जरूरी है कि सलेब लगाया जाए। तो अब दूसरे के इबादत खाने में इबादत हो नहीं सकती, एक इंच उस मरकज से हट नहीं सकते। लिहाजा कोई तो ऐसा इबादत खाना हो कि जहां बैठ करके दुख दर्द को हम बांट सकें, एक दूसरे की मुसीबत को समझ सकें, एक दूसरे के शाना बशाना चल सकें। तो बस हमने कायनात में अगर कोई दर्द देखा है वो यही दर्द देखा है। ईसाई हो तो चला आए, यहूदी हो तो चला आए, मजूसी हो तो चला आए, बस शर्त इतनी है कि चिराग़े मोहब्बत उसके दिल में जल रहा हो, चिराग़े मोहब्बत उसके दिल में रोशन और मनव्वर हो, चिराग़े अकीदत उसके दिल में हवेदा हो, रोशन और मनव्वर हो, और मजलूमियत का तरफदार हो। बस शर्त यह है, अगर इस दर में जालिम के खिलाफ उंसुर पाया जाता हो, जालिम से तबर्रे का इजहार हो, मजलूम से इजहार हमदर्दी हो, यहां चला आएगा, जिस पहलू भी बैठेगा इबादत में शामिल हो जाएगा। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इंसान इबादत से आरास्ता अगर होना चाहता है, किसी के इबादत खाने में जाना चाहता है, तो हमने यही देखा कि अगर हमारा कोई करीबी भी दोस्त है और उसके यहाँ चोटी है, तिलक लगा हुआ है, और हम कहते हैं ये हमारे दोस्त हैं, कहा मौलाना आपकी दोस्ती सिर्फ और सिर्फ मस्जिद के बाहर तक हो सकती है। हमने कहा भाई मौलाना है, नमाज पढ़ाते हैं। कहा साहब अगर आप नमाज पढ़ाते हैं तो यह आप ही ने बताया था। गोया यहां का मुबल्लिग, यहां का खतीब, यहां का जिम्मेदार इंसानियत को दूर करने वाला करार पाया। उसने शराइत रख दिए, दोस्ती अगर है तो मस्जिद से बाहर, अल्लाह अकबर। तो अब हमें कायनात में सिर्फ एक दर ऐसा मिला
कि जहां मसलक की कैद नहीं है, जहां मजहब की कैद नहीं है, जहां जात की कैद नहीं है, जहां बिरादरी की कैद नहीं है, जहां ऊंच और नीच का फर्क नहीं है, जहां अमीरी और गरीबी का शामियाना नहीं ताना गया है, जहां अमीरी और गरीबी को अलग अलग निगाहों से नहीं देखा गया है, बस एक पैमाना दिया है, अगर जालिम से उल्फत रखता है, अगर जालिम से मोहब्बत रखता है, अगर जालिम के लिए हमदर्दी रखता है तो तेरा दरवाजा अलग है, अगर मजलूम का तरफदार है तेरा आशियाना ये है। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। शायद इसीलिए किसी ने कहा था कि दरे हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज है आदमी के लिए। और एक हिंदू शायर ने आवाज दी कि गूंजे न गूंजे मस्जिदों में फसाना हुसैन का, मंदिर बनेंगे ताजिया खाना हुसैन का। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा इस अजमत हुसैन, इस जिक्र हुसैन को समझने के लिए कम से कम इतना समझ लीजिए, क़िबला मोहतरम गुस्ताखी कर रहा हूँ, क़िबला बाखर मशहदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं जो आने वाली मजालिस में अपने पुरबसीरत बयान से आपको मुस्तफीद फरमाएंगे, और इन्हीं की रहनुमाई में यह कारवान खिताबत इंशाअल्लाह आगे बढ़ने वाला है। दराजी उम्र के लिए और मुहिब्बाने हैदर कर्रार की सलामती के लिए हमें एक दूसरे के लिए हम वक्त दुआ गो रहना चाहिए, इसलिए कि ये वो मनारे हिदायत हैं, ये वो जाकिरे मिंबरे सलोनी हैं कि जिनकी वजह से नाम हुसैन से आशनाई का सलीका मिलता है, तरीका मिलता है। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि इत्तेहाद का मरकज अगर तमाम मसलों को जोड़ने वाली कोई चीज़ है तो वो मजलूमियत है। जहां जहां मजलूमियत होती है वहां वहां हमदर्दी उजागर हो जाया करती है, जहां जहां जुल्म का शायबा पाया जाता है वहां से इजहार तनफ्फुस होना इंसानियत की अलामत है। तो ये जिक्र हुसैन इतना आफाकी जिक्र है, इतना हमागीर जिक्र है कि इस जिक्र की अजमतों को समझने के लिए सबसे पहले उसको हमदे परवरदिगार करना पड़ती है, हमदे परवरदिगार के बाद जिक्र खातमुल अंबिया करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के फर्श हुसैन नसीब होता है। तो गोया ये जिक्र इतना अजीम है कि जिस जिक्र की तमहीद हमदे परवरदिगार बन जाए, हमदे खातमुल अंबिया बन जाए, उसको जिक्र हुसैन कहते हैं। बज़ाहिर जिक्र हुसैन लेकिन तज़किरा वहदानियत का, बज़ाहिर जिक्र हुसैन मगर तज़किरा नबुव्वत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन मगर तज़किरा करामत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन तज़किरा शराफत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन मगर तज़किरा विलायत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन तज़किरा सखावत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन तज़किरा शुजात का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन तज़किरा शरीयत का, बज़ाहिर मजलिस हुसैन मगर तज़किरा तरीक़त का। इसलिए कि यह मजलूमियत का दरबार है, यहाँ हर वो दर्स दिया जाता है, लिहाजा जहाँ सिमट के कायनात आ जाए वहां से आजमत हुसैन को समझने में कितनी आसानी हो सकती है। इसीलिए किसी शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि दरे हुसैन पा सर रख दो ए मुसलमानों, अभी ये वक्त गर आखिरत बचानी है, पैगंबरों का यहां पा हुजूम रहता है, ये करबला नहीं जन्नत की राजधानी है। सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए सरकारे खत्मीए मर्तबत हजरत अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लम्मा अराद अल्लाहु बदा खल्क मनायअन, जब खुदा बंदे आलम ने कायनात की तखलीक का फैसला फरमाया तो सुम्मा फतक नूरी, सबसे पहले मेरे नूर को शिगाफ्ता फरमाया, मेरे नूर को खल्क फरमाया, और फखलका मिनहुल अर्श, मेरे नूर से अल्लाह ने अर्श को पैदा किया। लिहाजा
अगर अर्श की बुलंदी चाहते हो तो सबसे पहले कुर्बते मोहम्मद का जरिया तलाश करो, सबसे पहले फिक्रे मोहम्मद पेश करो, सबसे पहले फिक्रे मोहम्मद उजागर करने का सलीका और शऊर हासिल करो, तब अर्श की बुलंदियां मिल सकती हैं। फिर उसके बाद सुम्मा फतक नूर अखी अली इब्ने अबी तालिब, फिर खुदावंद आलम ने मेरे भाई अली के नूर को शिगाफ्ता फरमाया तो क्या बनाया, फखलक मिनहुल मलाइका, मेरे भाई अली के नूर से अल्लाह ने मलाइका को पैदा किया। मलाइका फरिश्ते जो मासूम होते हैं, आपने देखा कि हर मखलूक में दुश्मने अली मिल जाएगा, हर मखलूक में, मगर मलाइका में कोई दुश्मने अली नहीं मिलता। जिनों में दुश्मने अली मौजूद, इंसानों में दुश्मनाने अली मौजूद, हैवानों में दुश्मनाने अली मौजूद, का दलील, दलील क्या है कि इंसानों में, जिनों में, जानवरों में, चरिंदों में, परिंदों में, दरियाओं में रहने वालों में, खुशकी में रहने वालों में फर्क कैसे महसूस हो कि ये अली के चाहने वाले हैं, ये दुश्मनाने अली हैं। तो जब हमने तारीख का सहारा लिया, शरीयत मुताहिरा का मुतालिया किया, तो पता ये चला दो कतारें लगकर के सामने आ गई, दो कतारें, एक कतार में मोमिनीन है, एक कतार में सालेहीन है, एक कतार में मुत्तकीन है, एक कतार में, एक लाइन में मुनाफिकीन है, मुशरिकीन है, मुलहिदीन है। ये कौन का, ये वो हैं जिन्होंने विलायत अली का इकरार किया, ये मोमिनीन, ये सालेहीन, ये मुत्तकीन, ये शाकिरीन, ये साबिरीन कौन हैं जिन्होंने विलायत अली का इकरार किया, और ये का जिन्होंने विलायत अली का इनकार किया। तो मालूम यह हुआ कि दो सफों में नामे अली आते ही इंसान नहीं बल्कि पूरी मखलूकात तकसीम हो गई, और जब दो कतारों में, दो लाइनों में, दो सफों में मखलूकात तकसीम हुई, लेकिन मलाइका को एक सफ में खड़े हुए देखा, क्यों का, अल्लाह ने फरमाया, सरकार खत्मी मर्तबत ने तर्जुमानी की कि मैंने मोहब्बत अली में इनको पैदा किया है। सरकार ने फरमाया मेरे भाई के नूर से अल्लाह ने मलाइका को पैदा किया है, लिहाजा तमाम मखलूकात में दुश्मनाने अली मिल जाएंगे, मगर मलाइका में दुश्मनाने अली नहीं है। इसका मतलब यह हुआ जो मुहिब्बाने अली हैं वो फरिश्ता सिफत हैं, गुनहगार नहीं है, फरिश्ता सिफत है। लिहाजा उसके आगे बढ़कर के मौला ने फरमाया इन मलाइकतु खुद्दामुना व खुद्दामु शियतुना, और मलाइका हमारे भी खादिम हैं, हमारे शियों के भी खादिम हैं, सलावत भेज दें मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। उसके बाद इरशाद फरमाया सुम्मा फतका बिनती, खुदावंद आलम ने मेरी बेटी के नूर को शिगाफ्ता फरमाया, और जब मेरी बेटी के नूर को शिगाफ्ता फरमाया तो क्या बनाया, फखलका मिन्हु समावात वल अर्ज, मेरी बेटी के नूर से अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, मेरी बेटी के नूर से अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया। अल्लाहु अकबर, ये पिंडाल बना है, मिंबर रखा है, स्टेज सजा है, माइक रखा है, हम बैठे हैं किस लिए, किस लिए, जिक्र हुसैन हो जाए, फजाइल तौहीद बयान हो जाए, फजाइल शरीयत बयान हो जाए, अहकाम शरीयत बयान हो जाए, इसीलिए हम बैठे हैं ना। या आप किस लिए तशरीफ लाए हैं, ताकि हक मोहब्बत अदा हो जाए। और अगर इस पिंडाल को खाली कर दिया जाए तो हर आने वाला कहेगा क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्यों बनाया, क्या जरूरत थी, इसकी गरज व गायत क्या है। लेकिन जैसे ही यहां से बयान शुरू हुआ, कहा नहीं, इसका मकसद ही ये था। तो सरकारे खत्मे मर्तबत ने फरमाया अल्लाह ने मेरी बेटी के नूर से
जमीन और आसमान को बनाया। अल्लाह अकबर। मैं चाहने वालों के खिदमत में जो जुमला अर्ज करने जा रहा हूं वो ये है कि अल्लाह ने शहजादी की वजह से जमीन और आसमान को बनाया, तो जो चीज जिस चीज के लिए बनाई जाए अगर उसका इस्तेमाल उस तरीके से ना किया जाए तो वो जुल्म है। अगर मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए, अजा खाना है मजलिस हुसैन बर्पा करने के लिए, अगर न किया जाए तो ये ज्यादती होगी, ये जुल्म होगा। तो अगर जमीन पर रह रहे हो तो तुम्हें हक फातिमा अदा करना पड़ेगा। हम किसी के मकान में रहते हैं और किराया ना दें, कब तक रह सकते हैं? महीना, दो महीना, चार महीना, बस छठे महीने नोटिस आ जाएगा, या नहीं दोगे तो अदालत में दोगे। ऐसा ही है ना, ये हमारे यहाँ का निजाम है, हमारे यहाँ का कानून है कि अगर तुमने हक अदा ना किया, टैक्स अदा ना किया, किराया अदा ना किया तो निकाल दिए जाओगे। लेकिन अल्लाह कह रहा है जमीन और आसमान फातिमा की वजह से, जमीन और आसमान फातिमा की वजह से। और जिस तरीके से हम यहां किराया न दे करके ज्यादा देर रह नहीं सकते, ये करम है शहजादी का। अगर वो चाहे जब चाहे अपनी मिल्कियत से निकाल दें, लेकिन जरूरी है कि हक फातिमा अदा हो। हक फातिमा अदा करने के लिए जरूरी है कि हम अहकाम शरीयत बयान करें, सलावत भेज दें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। उसके बाद इरशाद हुआ, सुम्मा फतका नूर इब्न हसन, खुदावंद आलम ने मेरे बेटे हसन के नूर को शिगाफ्ता फरमाया, तो क्या बनाया? फखलका मिन्हु शम्स वल कमर, मेरे बेटे हसन के नूर से अल्लाह ने चांद और सूरज को पैदा किया। और अब जो चांद और सूरज को पैदा किया, तो चांद से रात को खुनकी लेते हैं, रोशनी लेते हैं, दिन को सूरज की शुआओं से, किरणों से, तमाजत से हम अपनी फसलों को पैदा करते हैं। किसके सदके में? किसके सदके में? इमाम हसन मुस्तबा के सदके में। तो अगर इमाम हसन मुस्तबा एक लम्हे के लिए कनेक्शन काट दे, न सूरज की रोशनी मयसर होगी, न चांद की खुनगी महसूस होगी। तो अगर चांद की खुनगी मिल रही है, आज चांद पर जाने वाले बड़े खुशी का मुजाहिरा कर रहे हैं, उनको पता नहीं है अरे ये मिल्कियत हसन है। तो जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन और मुनव्वर कर दे, उस ज़ाते गिरामी का नाम है हसन मुस्तफा, सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। और अब बात आ रही है वहां जहां से शुरू हुई थी, क्या सुम्मा फतका नूरे इब्न हुसैन, खुदावंद आलम ने मेरे बेटे हुसैन के नूर को शिगाफ्ता फरमाया, तो क्या बनाया? पूछो मुल्ला से, नमाज किस लिए पढ़ रहे हो? रोजा किस लिए रख रहे हो? जुल्फे किस लिए बढ़ाई हैं? गमछा किस लिए डाला है? आंखों में सुरमा किस लिए लगाया है? लंबा कुर्ता किस लिए पहना है? टखनों तक पजामा किस लिए पहना है? यह अबा कबा किस लिए चढ़ाई है? का जन्नत के लिए। तवाफ खाने काबा क्यों कर रहे हो? जन्नत के लिए। रोजे क्यों रख रहे हो? जन्नत के लिए। हाथों में मिसवाके किस लिए? जन्नत के लिए। हाथ में तस्बीह किस लिए? जन्नत के लिए। बगल में लोटा किस लिए? जन्नत के लिए। तिलावत कलाम पाक किस लिए? जन्नत के लिए। मस्जिदों में अजाने, मस्जिदों में शबीने, मस्जिदों में तरावीये किस लिए? जन्नत के लिए। रोजा जन्नत के लिए। जक़ात जन्नत के लिए। खैरात जन्नत के लिए। मालिक जन्नत कौन? हकदार जन्नत कौन? इख्तियार जन्नत किसके पास? मुख्तार जन्नत कौन? पहली मंजिल पर सरकार ने फरमाया, सुम्मा फतका नूर इब्न हुसैन फखलका मिनहुल जन्नत वहूरुल ऐन। अरे हूरों की तमन्ना करने वालों, सबसे पहले तुम्हें दरे हुसैन पर आना होगा, इसीलिए आवाज दी थी अरे दरे हुसैन पर, दरे मुझे सलात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं तो दरे हुसैन के काबिल था कुदसियो, मैं तो दरे हुसैन के काबिल था कुदसियो, जन्नत में ला के क्यों मेरी मिट्टी खराब की? इसलिए कि बगैर हुसैन
जन्नत नहीं मिलने वाली है और अब चाह रहे हैं, तलब है, तस्बीह पर तस्बीह है, जकात पर जकात है, खैरात पर खैरात है कि जन्नत 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 हर तरफ से जन्नत। मगर कुरान से पूछें कि जन्नत के बारे में फैसला क्या है, आयत क्या है, जन्नत तू बता तुझे किस लिए पैदा किया गया। अब कुरान ने आवाज दी, वह उजली फतील जन्नत लिल मुत्तकीन, मुझे तो सिर्फ इसलिए आरास्ता किया गया है कि मैं मुत्तकीन के लिए बनाई गई हूं। तो मालूम यह हुआ मुत्तकीन वो कि जिनका इमाम इमामुल फासिकीन हो। मुत्तकीन कौन? जिनका इमाम इमामुल मुत्तकीन हो। कौन है कायनात में इमामुल मुत्तकीन? मैं अगर अपना नाम मुत्तकी रख लूं और आमाल सारे वो करूं जो मुत्तकियों के नहीं होते, तो क्या मेरा नाम मुझे फायदा पहुंचा सकता? मुझे फायदा नहीं पहुंचा सकता। लिहाजा सरकार खत्मे मर्तबत ने फरमाया, हूरों के तलबगारों, जन्नत के लालचियों, अगर जन्नत का फलसफा समझना चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले समझना होगा कि अल्लाह ने जन्नत को नूरे हुसैन अलैहिस्सलाम से पैदा किया है। लिहाजा जन्नत का रास्ता अगर जाता है तो वो करबला से जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। भाई जिंदाबाद, लानत बेशुमार। लिहाजा फैसला यह हुआ कि अल्लाह ने तमाम चीजों को बस सबबे पंजतन पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा किया है, उन्हीं के तसद्दुक में कायनात बनी है। लेकिन जब ये चीजें आरास्ता की गई, क्या फर्श जमीन बिछा दिया गया? कहा नहीं। शामियाने आसमान मुअल्लक कर दिया गया? कहा नहीं। कुछ ना था, वो था और हम थे। पता कैसे चले कि जमाना क्या था? जमाना होता तो पता चलता। कुछ न था, कायनात जब तखलीक की जा रही थी बस पैदा करने वाला था और पैदा होने वाले थे। मगर मैं कहूंगा माबूद किरदगार मालिक, तूने कायनात को पहले पैदा किया होता, चूंकि बड़ी शख्सियतें थीं, बड़ी हस्तियां थीं, इनको बाद में भेजा होता। इसलिए कि जब हम किसी को अपने यहाँ मदू करते हैं, जब हम किसी को अपने यहाँ बुलाते हैं, तो जैसा आने वाला होता है उसी की हैसियत के मुताबिक इंतजाम किए जाते हैं। अगर आने वाला छोटा ऑफिसर है तो उसी के हिसाब से इंतज़ाम, और अगर आने वाला बड़ा है तो उसी के हिसाब से इंतजाम किए जाते हैं। आने वाला ताजदार अंबिया है, सैयदुल औसिया, सैयदुल अंबिया है, सैयदुल औसिया है, जवानान जन्नत के सरदार हैं, खातून जन्नत के सरदार है। लिहाजा इनके आने से पहले तूने कुछ ना बनाया, क्या अगर बना देता तो क्या ये बात निकल कर के ना आती कि हवाएं कहती अगर हम ना होते तो इनको जिंदगी का लुत्फ कैसे आता, जमीन आगे बढ़कर ना कहती अगर हम ना होते तो ये कदम किसके ऊपर रखते, आसमान कह सकता था कि अगर हम आशियाना न करते तो साहिबान कैसे होता। लिहाजा अल्लाह ने इन तमाम चीजों का एहसान लेना पसंद न किया। क्यों? कि ताकि इनके ऊपर कोई एहसान न कर सके, इनके ऊपर कोई अपना हक न जता सके। लिहाजा जब इनकी आजमतों का आलम यह है कि अल्लाह कायनात की किसी चीज को ये मौका नहीं देना चाहता कि वो इनके ऊपर एहसान जताए, लिहाजा अब अगर हम जिक्र हुसैन कर रहे हैं तो ये एहसान नहीं है बल्कि हम अपनी अजमतों को बयान कर रहे हैं। इसलिए कि जिक्र हुसैन मुकद्दरों से मिलता है, जिक्र हुसैन नसीब से मिलता है, तहारत नस्ली की जमानत है जिक्र हुसैन। इसलिए कि इमाम ने फरमाया अगर अपने दिलों में हमारी मोहब्बत की खुन की महसूस करो तो तुम कुछ ना करो, झुक कर के माओ को सलाम कर लो, इसलिए कि उन्होंने अमानत में खयानत नहीं की है। ये तहारत नस्ली की बुनियाद पर मिला करती है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तहारत नस्ली की बुनियाद पर शरफ मिलता है कि जिक्र हुसैन किया जाए, अजमत हुसैन को समझा जाए, हक हुसैन अदा किया जाए।
लेकिन आज इसके बिलमुकाबिल एक चीज आ गई है, ताजिए को देखा ये बिदत है, अलम को देखा ये बिदत है, जोजा मुबारक को देखा ये बिदत है, सबीलों को देखा ये बिदत है, गोया एक कतार लगी है, बिदत 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 बिदत। आपको मालूम है ये बिदत बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हमारे इलाके में, और आपने यहां भी देखा होगा, मैंने भी देखा है किसी इलाके में, कि मोटर साइकिल जो है वो है बुलेट और पीछे उसको विक्रम बना दिया गया टैक्सी। हमारे यहां भी एक इंजन रख करके चार पहियों के ऊपर उसको क्या बना दिया, सवारी आने जाने के लिए क्या कहते हैं उसको, जुगाड़। हाँ, बिल्कुल लफ्ज बिदात ऐसे ही जुगाड़ की तरह है। अलम को देखा जुगाड़ है, अलम को देखा बिदात, शबरात के हलवे को देखा बिदात, नजर हुसैन को देखा बिदात, कोई लफ्ज ना मिला बिदात बिदात, बिल्कुल लफ्ज जुगाड़ की तरीके से। ऐसा हुआ, एक सयाह जापानी घूमने फिरने के लिए हिंदुस्तान आया। अच्छा, जब कोई घूमने फिरने के लिए आता है तो तमाम आराइश और तमाम सहूलत का सामान साथ लेकर के आता है। कहीं जाना हो तो गाड़ी चाहिए, मंजर को कैद करना हो तो कैमरा चाहिए, वक्त अगर देखना हो तो घड़ी चाहिए, और अगर कुछ सुनना चाहे तो टेप रिकॉर्ड चाहिए। लिहाजा जब वो हिंदुस्तान आया तो इन तमाम आलों को अपने साथ लेकर के आया, कार को लेकर के आया। लेकिन इत्तफाक की बात कि सरे राज आ रहा था, कार खराब हो गई। अब जो कार खराब हुई, मेड इन जापान, मैकेनिक के यहां पहुंचा, मैकेनिक ने देखा, पेट्रोल मैकेनिक ने कहा, भाई ये तो यहां ठीक नहीं हो सकती, इसलिए कि ये मेड इन जापान है। कहा फिर हम क्या करें, हम तो परदेसी हैं। कहा जुगाड़ हो सकता है, हिंदुस्तानी माहिर है ना जुगाड़ करने में। कहा जुगाड़ हो सकता है कि वो क्या मतलब, कहा चलने लगी गाड़ी। अब जो जुगाड़ किया तो गाड़ी चलने लगी। इत्तफाक की बात, आगे चला, जैसे ही कैमरे को ऑन किया वैसे ही कैमरा खराब हो गया। अब जो मैकेनिक के यहां पहुंचा, मैकेनिक ने कहा ये मेड इन जापान है, यहां ठीक नहीं हो सकता, मगर जुगाड़ हो सकता है। तो पहले भी सुन चुका था, अब फिर इससे इस मैकेनिक से सुना, कहा जुगाड़ हो सकता है, कभी कर दीजिए। ठीक हो गया कैमरा, इत्तफाक से घड़ी भी खराब हो गई। अब जो मैकेनिक के पास पहुंचा, उसने कहा जुगाड़ हो सकता है, जल्दी जल्दी मैं अपनी मंजिल की तरफ आना चाहता हूं। लिहाजा अब आगे चल करके उसका टेप रिकॉर्ड खराब हुआ, उसमें भी जुगाड़ हुआ, गाड़ी खराब हुई उसमें भी जुगाड़ हुआ, कैमरा खराब हुआ उसमें भी जुगाड़ हुआ, टेप रिकॉर्ड खराब हुआ उसमें भी जुगाड़ हुआ, मशीनरियां खराब होती गई, मैकेनिक के पास जाता रहा, सब जगह जुगाड़ होता रहा, मशीनें अपनी जगह काम करने लगी। इसने कहा बड़ा अच्छा पुर्जा है, जो गाड़ी में भी फिट हो जाता है, जो कैमरे में भी फिट हो जाता है, जो घड़ी में भी फिट हो जाता है। लिहाजा अब ये अपने मुल्क पहुंचा, और अब जो मुल्क पहुंचा तो जुगाड़ जायद नहीं चलता। लिहाजा एक एक करके ये जुगाड़ सब जवाब देने लगे, और अब जो जवाब दे देने लगे, ये वहां मैकेनिकों के पास पहुंचा। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं हो सकता। कहा क्यों? कहा नहीं, अब ये इसको तब्दील करना पड़ेगा। कहा तुमसे अच्छा तो हिंदुस्तान है कि वहां एक पुर्जा है जुगाड़, जो हर जगह फिट हो जाता। लिहाजा उसने अहद किया, मंसूबा बनाया कि मैं अपनी बात जापान के वजीर आजम तक पहुंचाऊं। लिहाजा वो मंत्रियों संतरियों से होता हुआ कहां तक पहुंच गया, वजीर आजम तक पहुंच गया। वजीर आजम साहब ने कहा भाई बात तो सही है, अगर तुम ऐसा कह रहे हो चलो मान लेते हैं। अब हिंदुस्तान में जो राबता किया गया तो उस वक्त के वजीर आजम थे अटल बिहारी वाजपेयी। कहा साहब हमें मालूम हुआ है आपके यहां एक पुर्जा है जिसका नाम है जुगाड़, उसकी डीलिंग हो जाए, तबादला ख्याल हो जाए, उसका लेन देन हो जाए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बातें हो जाएं, तुम्हारा भी कारोबार चले हमारा भी कारोबार चले। वाजपेयी साहब ने कहा भाई देखिए सबसे पहले तो ये बात सुन लीजिए कि घुटने नहीं थे ना वाजपेयी साहब के, काम मैं खुद जुगाड़ के ऊपर चल रहा हूं। सबसे पहले तो ये तय सोच लीजिए कि मैं खुद जुगाड़ के ऊपर चल रहा हूं, और मेरी हुकूमत एक दो पार्टियों के ऊपर मुश्तमिल नहीं है बल्कि 19 पार्टियों के ऊपर मुश्तमिल है। लिहाजा मेरी हुकूमत फैसला करने में टाइम जरूर लेगी। तो बस अजीजों, बिल्कुल लफ्ज़ बिदत,
ऐसे ही जुगाड़ की तरह है कि जो चलता तो है मगर चलने के बाद रुक जाता है। क्यों? जब बिदत आती है तो आलम बिदत, तो लोगों ने कहा वाकई बिदत, लेकिन जब पूछा कि बिदत क्यों, तो अजीजो खैबर की रात तक बिदत न था। जब शब्बेदारी हो रही थी कि कल आलम मिल जाए, कल आलम मिल जाए, लेकिन जब आलम न मिला तो जख्म ताजा हो गए। किस तरीके से? जैसे अंगूर खट्टे हैं, हाथ ना पहुंच सका, रसाई ना हो सकी, अलम मिल जाता तो यही इबादत बन जाता, लिहाजा अलम ना मिल सका तो बिदत बता दिया। सलवात भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हमको दिया नबी ने, हम इसको उठाएंगे, गर मर गए बहिश्त में भी लेके जाएंगे और रिजवान को करीब बुलाकर सुनाएंगे। फतवों की गर्द इसके फरेरे से झाड़ दे, अब्बास का आलम दरे जन्नत में गाड़ दे। बावफा मजमे में हक़े वफादारी अदा करने वालों की समातों की नज़ चार मिसरे और कर दूं कि अब्बास नामदार तमन्नाए अली है, सीरत में है रसूल, शुजात में अली है और आती नहीं करीब कभी मुश्किले मेरे, अब्बास तेरा नाम है या नादे अली है। तो समझ में आया तो आलम की बिदात का फलसफा समझ में आ गया कि अगर आलम मिल गया होता तो सबसे बड़ी इबादत होता, इसकी जियारत सबसे बड़ी इबादत होती, मगर चूंकि इसको देख करके जख्म ताजा हो जाते हैं, लिहाजा उन जख्मों पर मरहम लगाने के लिए कुछ और ट्यूब तो न मिल सकी, कुछ और मरहम तो न मिल सका, लिहाजा बिदत के ट्यूब को आगे बढ़ा दिया। और जैसे ही बिदत के ट्यूब को आगे बढ़ा सका, आगे बढ़ाया, चंद कदम चला मगर दम तोड़ दिया, कारगर ना हो सका। रोजे को देखा बिदत, क्यों? आप बना लीजिए अपने पुरखों का रोजा, आप बना लीजिए अपने बुजुर्गों का रोजा। का बना तो ले मगर मुरादे कौन पूरी करेगा? अरे भाई बना तो ले, मंदर मंदर हैदर 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 पलको मंदर मंदर पलको मंदर मंदर कृष्ण खड़ा बाबा खैबर किसने चीरा कल्ला हटर और बना जबरील का टीचर हैदर 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 इसके कदम क्या दोष नबी पर हैदर 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 किसका माला हर्ष भरी पर हैदर हैदर जिंदाबाद किसका माला साकी कासा हैदर 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 नारा हैदरी नारा प्रणार है सलवार रोजा तो बना ले मगर अकीदतों के गुलाब निछावर करने वालों को जवाब क्या देंगे? नहीं अंदाज लगाया आपने
का गुलाम ज़ादे मिंबर हमारा है तुम्हारा नहीं है। अब जो ये सुना चेहरा उतर गया, बाबा की खिदमत में पहुंचा, बाबा मुझे गुलाम ज़ादा कहा है, कहा लिखवा लाओ ताकि ये सनद अपने कफन में रख कर के मर जाऊं। अगर आज कफनी के ऊपर एतराज करते हो तो पहले अपने बुजुर्ग से पूछो कि तहरीर इमाम क्यों लेना चाहता है। लिहाजा बता दिया कि अगर ये लिख करके दे तो निजात का जमानत मिल जाए। कहा जब ये जिंदगी में कुछ नहीं दे सकते तो रोजा बना करके मिलेगा क्या। लिहाजा रोजे की तावील भी समझ में आ गई कि रोजा देख करके इसलिए बिदअत। सहारा तो बड़े लिया, जिंदगी में भी लिया, मरने के बाद भी लिया कि शायद बड़े आदमी के पास बैठने से हम बड़े हो जाएं। बड़े आदमी के पास बैठने से आदमी समझने लगता है ना कि मैं बड़ा हो जाऊंगा, लेकिन मुर्दा परवानों की मैयत लाख पहलू में रहे, मुर्दा परवानों की मैयत लाख पहलू में रहे, शमाए मासूमियत बदनाम हो सकती नहीं। सलवात भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहने दीजिए मुझे कि शरफ के शहर में हर बाम उदर हुसैन का है, जमाने भर के घरानों में घर हुसैन का है, उदास रात शफक फूल पंखड़ी शबनम, उदास रात शफक फूल पंखड़ी शबनम, खुदा का मुल्क है लेकिन असर हुसैन का है, हजारों सर हैं नमाजें जिन्हें बचाती हैं, नमाज को जो बचा ले, नमाज को जो बचा ले वो सर हुसैन का है। आज पूछ लीजिए ना, जवाब आ चुका है। नमाज किस लिए? जन्नत के लिए। रोजे किस लिए? जन्नत के लिए। हज व ज़कात किस लिए? जन्नत के लिए। सदका व खैरात किस लिए? जन्नत के लिए। हर चीज जन्नत के लिए। आज कितना क्रेज है मालूम है आपको? हमारे जो मुअज्जिन है इस स्टेज के, जनाब फसील काजमी साहब ने भी ऐलान फरमाया कि जुमा होगा, जुमा होगा, आप सब ज्यादा तशरीफ ले जाएं, बड़ी अहम फजीलत है, बड़ी अजीम इबादत है। लेकिन ये फलसफे नमाज भी अपने अंदर एक वुजदानी कैफियत लिए हुए है। परवरदिगार का जिक्र कहाँ नहीं हो सकता? हर जगह हो सकता है, अपने घर में हो सकता है। हमें हुक्म है कि जब तुम अपना घर बनाओ तो घर की चार दीवारियों को बुलंद रखो ताकि एक दूसरे की बेपरदगी ना हो। लेकिन जैसे ही मौजिन अजान दे, तुम सबका फरीजा है कि तुम अपने ड्यूढ़ियों से निकलो, अपने अपने घरों से निकलो, मस्जिदों में आ जाओ। क्यों? नमाज पढ़ने के लिए। माबूद, क्या ये नमाज घर में नहीं पढ़ी जा सकती? क्या ये जिक्र अपने घर में नहीं हो सकता? तू हर जगह है। कहा हो तो सकता है मगर जज्बे तराहुम नहीं पैदा हो सकता। क्या मतलब? तुम्हें मस्जिद में इसलिए बुलाया गया है, अपने घर में सिर्फ तुम्हें अपनी खबर है, अपने घर वालों की खबर है। जब मस्जिद में आओगे तो तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे पड़ोसी किस हालत में है। हाय हाय, जज्बे तराहुम की बुनियाद पर कितना सवाब है क़िबला इस नमाज का, इस नमाज का जो घर के बजाय मस्जिद में पढ़ी, कितना सवाब? कम से कम 25% ज्यादा। और यहां तक भी रिवायत मिलती है कि अगर 10 आदमी जमात में शामिल हो जाएं तो सवाब गिन नहीं सकते, 10 आदमी भी सवाब लामहदूद। तो 25 गुना तो ऑटोमेटिक बढ़ ही गया। जब मस्जिद से निकले पूरे हफ्ते, पूरे हफ्ते कहां निकले? घर से निकले, महल्ले की मस्जिद में आए,
शरीयत ने तमगा दे दिया 25 गुना ज्यादा, गोया अगर यहां दो रगत पढ़ी थी तो वहां और ज्यादा। कहा फिर यहीं पढ़ते रहे? कहा नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जिसको सरदार अय्याम कहते हैं जुमा, तुम्हें घर भी छोड़ना होगा, महल्ले की मस्जिद को भी छोड़ना होगा, कहां आना होगा? जाओ मस्जिद में। क्यों? कहा अभी तक तुम्हें अपने महल्ले की खबर थी, अब तुम्हें पूरे शहर की खबर रखना है। हमारे यहां दूसरा जुमा कितने फासले पर? हमारे यहां दूसरा जुमा अइम्मा जमात तशरीफ फरमा है, अफाजिल मौजूद है, कम अज कम 5.5 किलोमीटर के हुदूद में दूसरा जुमा नहीं हो सकता। क्यों? नमाज जुमा इबादत नहीं है? इबादत है। इबादत नहीं हो सकती कब तक? जब तक के 5.5 किलोमीटर का फासला ना हो। क्या मतलब फासला नहीं बल्कि 5.5 किलोमीटर में बसने वाले मोमिनीन जब तक इसके अंदर रहें। नहीं समझे? यानी 5.5 किलोमीटर की हुदूद में मोमिनीन के अंदर इख्तलाफ हो अल्लाह नहीं देखना चाहता, मुत्तहिद देखना चाहता है। अच्छा ठीक है, जामा मस्जिद में पहुंच गए। अब जो जामा मस्जिद में पहुंचे तो क्या देखा कि अब तक तो इस वक्त की नमाज 4 रकत होती थी, आज 2 रकत रह गई। आज 2 रकत रह गई। क्यों? कहा आपने खुतबा नहीं सुना? कहा खुतबे में तो यह बयान किया कि अपने इस्लाह कीजिए, अपने आप को बुलंद कीजिए, अपने किरदार को संवारिए, अपने अखलाक व आदात व अतवार को संभालिए। कहा यह बयान किया गया था? कहा बस जो इस्लाह उम्मत के लिए बयान दे दिया जाए वो इबादत में तख़फीफ का सबब नहीं बल्कि तकमील का सबब बन जाया करता है। गोया अगर दरसे इत्तहाद दे दिया जाए तो अल्लाह अपने इबादत को कम कर लेता है, सवाब उतना ही रखता है, सवाब उतना ही रखता है। कहा फिर पूरे हफ्ते महल्ले की मस्जिद में, हफ्ते के दिन जाओ मस्जिद में। एक दिन आया नमाज ईद, कहां पढ़े? ईदगाह में पढ़े। क्यों? कहा अभी तक तुमने अपने महल्ले की खबर ली थी, अपने शहर की खबर ली थी, अब ईदगाह इतनी बड़ी हो कि तुम्हारा पूरा इलाका आ जाए, फिर उस जगह का क्या करें? कहा वो साल भर तक ऐसे ही रहने दो, वो साल भर तक ऐसे ही रहने दो। क्यों? का बस अगर इत्तहाद के लिए 2 घंटे का दर्स हो जाए तो यही काफी है। अगर इत्तहाद के लिए सिर्फ 2 घंटे का, नमाज ईदैन में 2 ही घंटे लगते हैं ना, इससे ज्यादा तो नहीं, तो मालूम यह हुआ वो जो एक जर्रे जर्रे का हिसाब लेने वाला है, एक एक इंच जमीन का हिसाब लेने वाला है, लेकिन अगर वही जमीन इत्तहाद के लिए इस्तेमाल हो जाए तो अल्लाह उससे अपना हिसाब उठा लेता है। लिहाजा आप ना कहना इतनी बड़ी जगह घेरने की जरूरत क्या है, अरे 4 दिन के लिए इतनी बड़ी जगह की जरूरत क्या है? सलावत भेजे ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कहा तुम मुत्तहिद होते जाओगे, हमारी बरकतों का नुजूल होता रहेगा, और उसके बाद जब तुम मुत्तहिद होकर के इत्तहाद का मुजाहिरा करोगे तो अल्लाह तुम्हें साहिबान तौफीक में शामिल कर लेगा, और जब तुम्हें साहिबान तौफीक में शामिल कर लेगा तो जहां से सिलसिला हिदायत चला है अल्लाह तुम्हें उस घर में बुला लेगा जिसको खाना काबा कहते हैं, हज की सआदत नसीब करेगा। और जब हज से मुशर्रफ हो जाओगे, शरफयाब हो जाओगे, तो फिर अब तक तो तुम फला महल्ले के रहने वाले थे, कब तक? जब तक जुमा नहीं पढ़ा था। जब जुमे में आ गए तो महल्लों में हम मुनकसिम हो गए, और जब जामा मस्जिद में पहुंच गए महल्ले खत्म हो गए, उसके बाद ईदगाह में पहुंचे महल्ले खत्म हुए, गांव में सिमट करके आ गए। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो अब ईमानदारी से बताइएगा, वहां महल्ले के नाम से पुकारा जाता है, शहर के नाम से पुकारा जाता है, या मुल्क के नाम से पुकारा जाता है?
ये कहां से हाजी आ रहे हैं? कहा ये हिंदुस्तान से आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? पाकिस्तान से आ रहे हैं। ये कहां से आ रहे हैं? ये बांग्लादेश से आ रहे हैं। ये मलेशिया से आ रहे हैं। ये इंडोनेशिया से आ रहे हैं। ये अमेरिका से आए हैं। ये अफगानिस्तान से आए हैं। ये जापान से आए हैं। तमाम मुल्कों के हाजी खाने काबा में पहुंचे, और जब खाने काबा में पहुंचे तो क्या किया? सबसे पहले कपड़े उतरवा दिए। क्या किया? सबसे पहले कपड़े उतरवा दिए। क्या कपड़ों का रंग बदल दिया? कुछ तो पहचान रहने दे माबूद, कुछ तो पहचान रहने दे। तेरी बारगाह में आए हैं, तेरे बड़े घर में आए हैं। कहा आप अपना बड़प्पन खत्म करो, जिस तरीके से हम बुलाना चाहते हैं उस हिसाब से आ जाओ। और बस दो लिबास हमको दे दिए गए। एक लिबास का नाम था लुंगी, दूसरे का नाम कुर्ता कह लीजिए, कमीज कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। दो ही लिबास हाजियों के दरमियान देखे, एक ही रंग के, सफेद रंग के। और जब दुनिया में आए तो कितने पारचे मिले थे? जब दुनिया में आए तो कितने पारचों में लपेटा गया? एक पारचे को लंगोट कहते हैं, दूसरा पारचा जिसमें से लपेट दिया गया। अल्लाह ने कहा अगर खुलूस नीयत से, हाजी गुलाम अली साहब सुन रहे हैं ना, अगर खुलूस नीयत से तुम यहां तक आ गए हो तो अब न तुम हिंदुस्तानी हो न तुम अफगानी हो, बल्कि तुम हमारे मेहमान हो। तुम पहचान लो, जिस दिन तुम दुनिया में पहली मर्तबा आए थे तुम्हें दो पारचे दिए गए थे, आज भी तुम्हें दो पारचों में लपेट दिया गया। कल के पारचे आज की चादरें बन गई। लिहाजा मुल्कों की हुदूद खत्म कर दी गई, कबीलों का इख्तलाफ खत्म कर दिया गया। किसकी बारगाह में? अल्लाह की बारगाह में। मगर पहचाना आपने, मैं आ गया अपने मौजू की तरफ। खाने काबा क्या है? सचा खाने अली। हदिया कर रहा हूं समातों के लिए कि खाने काबा क्या है? सचा खाने अली। सबको बुला लिया, इधर से भी उधर से भी, सब जगह से बुला लिया, बिला तफरीके मजहब व मिल्लत सब पहुंच गए, सबके लिबास उतरवा दिए गए। एक लिबास में खड़ा कर दिया, कहां? दरे अली पर। दरे अली पर, तो जिस तरीके से इस दर पर आ गए, बस मजलूमियत शर्त है, मजलूमियत शर्त है। इस दर पे आ गए, न कोई हिंदू है, न कोई ईसाई है, न कोई मजूसी है, न कोई राहिब है, बल्कि सबके सब आजादारे हुसैन। वैसे ही वहां पहुंच गए, सबके सब बंदे परवरदिगार। तो मालूम यह हुआ कि वो सचा खाने अली, खाने काबा, वो भी इत्तेहाद का मरकज, ये अजा खाने हुसैन, ये भी इत्तेहाद का मरकज। कहने दीजिए, दोनों मिल्कियतें अबू तालिब की हैं। वो बेटे की मिल्कियत, ये पोते की मिल्कियत। सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अली अली दुनिया का मौला अली अली और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। लिहाजा इबादत खाने इत्तेहाद का मरकज है, लेकिन जहां बिला तफरीक सबके सरे नियाज झुक जाएं, उस दर को दरे अली कहते हैं या दरे हुसैन कहते हैं। और जहां ये तफरीक खत्म हो जाए, वहां से जब इत्तेहाद का परचम लहराया जाता है, तो कसम बखुदा दुनिया मुतजलजल हो जाती है, मुतहय्यर हो जाती है। लेकिन ये जज्बा मिलता कब है? जब मजलूमियत उभर करके सामने आती है, जब नस्बतें उजागर होती हैं। अगर नस्बतें उजागर ना हो तो आज हम यहां न बैठे होते। एक अकीदत है, एक जज्बा है, एक कशिश है, जाज़बियत है, जिसने हमको यहां तक पहुंचा दिया। उस कशिश का नाम है हुसैन, उस जाज़बियत का नाम है हुसैनियत। जिस जज्बे ने हमको यहां तक पहुंचाया वो है इजहारे तनफ्फुर यजीदियत। यजीदियत से दूर होते चले जाओ, हुसैनियत से करीब आते चले जाओ। लिहाजा ये हद फासिल बन गया कि जहां जुल्म होगा वहां हुसैन ना होंगे, जहां जुल्म होगा वहां यजीद होगा। लिहाजा
امام حسین نے حد فاصل کھینچ کر کے ہمارے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک نظام عدل بنا دیا، اور اس نظام عدل کا نام ہے فروغ عزا، سبیل عزا، عزاداری کا تحفظ۔ خداوند عالم یہ جذبہ والہانہ یوں ہی ہمارے دلوں میں باقی رہے، جاری و ساری رہے، اس لیے کہ اس کے لیے بڑی کوششیں کی گئیں کہ یہ ختم ہو جائے، لیکن ختم نہ ہو سکا، تاریخ گواہ ہے۔ لیکن چاہنے والوں نے بیابان جنگلوں میں گھروں کو آباد کر لیا، کیوں؟ کہ حسین اگر تیرا گھر بیابان جنگل میں اجڑا ہے تو بیابان جنگل ہی میں اگر ہم عزا خانے نہ بنا دیں تو ہماری بھی عقیدت نہیں ہے۔ لہذا عزیزو، ہم نے جہاں جہاں بھی دیکھا کربلا کو جو منسوب ہے کربلا معلی کی طرف، اس کو جنگل ہی میں دیکھا۔ کیوں؟ شہر میں ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، اگر روضہ حسین شہر میں ہوتا تو یقیناً یہ شبیہیں بھی شہروں میں استادہ کی گئی ہوتی، لیکن نہیں، مظلوم آقا، مظلوم مولا شہر میں نہیں بلکہ شہر مدینہ کو چھوڑا شہر مکہ میں آ گئے، جو امن کا گھر ہے، لیکن حسین کو وہاں بھی امن نہ ملا، وہاں بھی سکون نہ ملا، حسین بیابان صحرا میں آ گئے۔ عزیزو، جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں، ایک فلسفہ امام یہ بھی رہا ہوگا کہ اگر میں شہر میں رہوں تو ممکن ہے حاکم وقت یہ سمجھے کہ رہ کر کے شہر میں لوگوں کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں، لہذا بیابان جنگل میں آ گئے کہ یہاں تو کم از کم کسی طرح کی کوئی آبادی نہیں ہے۔ اور جب وہاں پہنچے تو کس انداز میں حسین نے ایک نئی بستی بسائی ہے۔ حسین بستی کو چھوڑ کر کے آئے ہیں لیکن یہاں دین کی بستی بسا دی۔ عزیز و، آج جمعہ ہے اور شب جمعہ رات گزری ہے، شب جمعہ میں تمام چاہنے والے روزوں پر حاضری دیتے ہیں، کربلا معلی میں بھی جن لوگوں کو شرف حاصل ہو چکا ہے انہوں نے دیکھا ہے کہ جمع غفیر ہوتا ہے، عقیدت مند چاہنے والے جوغ در جوغ، قافلہ در قافلہ چلے آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں نے روایت کو دیکھا تو عزیز و اشتیاق بڑھا، روایت کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ ہر شب جمعہ نہیں بلکہ نوچندی جمعرات کو، مہینے کی پہلی جمعرات کو تمام سواریاں آتی ہیں۔ کس کی سواریاں؟ مدینے سے نانا رسول خدا کی سواری روضہ حسین پر، جنت البقیع سے شہزادی کی سواری مرقد حسین پر، بابا علی مرتضیٰ کی نجف اشرف سے سواری مزار حسین پر، کاظمین سے، سامرا سے، ہر جگہ سے تمام سواریاں آتی ہیں۔ عزیزو، دنیا شیعت کے معتبر عالم جناب جعفر شوستری کہتے ہیں کہ جب میں نے اس روایت کو پڑھا کہ جب سے حسین مدینے سے آئے ہیں کبھی مدینے نہیں گئے، کیوں؟ جدہ ماجدہ کا مزار مقدس وہاں ہے، جب حسین مدینے سے چڑھے تھے بڑے گڑ گڑا کر کے رخصت ہوئے تھے، نانے کے روزے کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن باد حسین، کبھی بھی حسین، باد شہادت حسین مدینہ نہیں پہنچے، کسی کے مزار پر نہیں گئے، کسی کے روزے پر نہیں گئے۔ بس یہ سوال کرنے کے لیے جعفر کہتے ہیں کہ میں نے استغاثہ بلند کیا کہ میں امام حسین سے ضرور پوچھوں گا، مولا کیا آپ درجہ شہادت پر فائز ہونے کے بعد اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ نے اپنی ماں کی لحد کو بھی یاد نہیں کیا، جبکہ معصومین کی سواریاں ایک دوسرے کے یہاں برابر آتی اور جاتی ہیں، آپ کیوں کسی کے یہاں نہیں جاتے؟ آپ کو بھی جانا چاہیے۔ مولا، آپ تو اپنی ماں کے بغیر زندہ نہیں رہنا چاہتے تھے، آپ نے تو اپنی ماں کی لحد پر بھی کبھی حاضری نہیں دی، اپنے بھائی حسن مصطفیٰ کے بغیر آپ نہیں رہنا چاہتے تھے، مگر کبھی آپ حسن مصطفیٰ کے مزار مقدس پر نہیں گئے؟ بس یہ سوالات ذہن میں لے کر کے جناب جعفر شوستری روزہ امام علی مقام علیہ السلام کو پکڑ کر کے بیٹھ گئے، استغاثہ بلند کیا، مولا مجھے یہ راز بتا دیجئے، آپ کیوں نہیں جاتے؟ مولا کیا آپ اتنے بڑے ہو گئے
कि अब आपको नाना की भी याद नहीं आती। मौला ये सवाल का जवाब चाहिए, इस्तगासा बुलंद किया। जनाब जाफर कहते हैं, लिखते हैं कि मुझे गुनूद की तारीफ हुई, इतनी ही देर में आवाज आई, खबरदार आसमान से शहजादी की सवारी आ रही है। ऐलान होता गया, काजमैन से सवारी आ रही है, मशहद मुकद्दस से सवारी आ रही है, सामरा से सवारी आ रही है, लो नजफ अशरफ से मौलाए कायनात आ गए, लो मदीने से रसूल खुदा आ गए। अजीजो ऐलान होता रहा, जाफर कहते हैं मैं सुनता रहा, सबकी सवारियां करीब रोजे इमाम आती रही, इमाम सलाम और जवाब सलाम देते रहे, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। लेकिन अजीजों हमने भी देखा है, जब हमारा कोई अजीज, जब हमारा कोई चाहने वाला, जब हमारा कोई बड़ा आता है तो हम खड़े होकर के इस्तकबाल करते, खुश आमदेद कहते, लब्बे कहते, चेहरे पर हशाश और बशाश तासुरात होते हैं, बशाशत के साथ आने वाले को खुश आमदेद कहते हैं। जनाब जाफर कहते हैं सवारियां आती गई, मौला सलाम जवाब सलाम देते रहे, लेकिन उठकर के किसी का इस्तकबाल नहीं किया। तो अब तक तो एक सवाल था कि मौला आप क्यों किसी के यहां नहीं जाते, अब दूसरा सवाल यह हुआ कि मौला आपने तो खड़े होकर के किसी का इस्तकबाल भी नहीं किया, और अब जो मैंने इस्तगासा बुलंद किया, एक मर्तबा मजलूम इमाम की आवाज बुलंद हुई, जाफर तुम्हें मालूम है, अरे मैदान करबला में मैंने एक नन्ही सी लहद बनाई थी, जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो। ए जाफर तुम्हें मालूम है कि मैंने मैदान करबला में किसी की कब्र ना बनाई, पामाल लाशे कासिम को उठाया मगर मैंने कब्र ना बनाई, हम शबीह पैगंबर को लेकर के आया लेकिन कब्र ना बनाई, और मोहम्मद को उठाया मगर कब्र ना बनाई। ए जाफर तुम्हें मालूम है मैंने एक नन्ही सी लहद बनाई थी, और जब नन्ही सी लहद बनाई थी उसमें मैंने अली असगर को दफन किया था, लेकिन जालिमों ने अरे उसको कब्र में न रहने दिया, उसको लहद से निकाल लिया। ए जाफर तुमने कहा ना मैं मदीने क्यों नहीं जाता, मैं जन्नतुल बकी में क्यों नहीं जाता, मैं नाना के रोजे पर क्यों नहीं जाता, मैं बाबा के रोजे पर क्यों नहीं जाता। ए जाफर अरे मेरे सीने पर अली असगर सो रहा है, ए जाफर इसलिए नहीं जाता। अजीजो अजीजो ये वो मंजर है जो आज की शब से मरबूत है, महसूस है, लेकिन हाँ अजीजो जब ये काफला मैदान करबला से उजड़ करके लुट करके असीर हो करके, अरे बीबियों का काफला जिंदान कूफा और शाम से गुजर करके करबला हो करके मदीना पहुंचा है, तो आपको मालूम है, आपको मालूम है जब बशीर ने आवाज दी मदीने वालों मदीना रहने के काबिल न रहा इसलिए कि हुसैन मारे गए, ऐलान करता हुआ हलम हाथ में है, एक मर्तबा महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा। रिवायत बताती है बशीर ऐलान करता जाता है, लेकिन एक मौका ऐसा आया, एक मोड़ ऐसा आया जहां एक ज़ईफा का सहारा लिए हुए, एक ज़ईफा का दामन पकड़े हुए एक बच्चा चला आ रहा है। जैसे ही बशीर आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद कहा मदीने वालों मदीना रहने के काबिल नहीं रहा, हुसैन मारे गए। अजीजो आलम हाथ में है, रिवायत बताती है अरे ज़ईफा को छोड़ कर गए बच्चा, एक मर्तबा बशीर के करीब आया और आने के बाद आलम को पकड़ा, आलम को पकड़ने के बाद कहा ए मनादी ये तो बता दे अरे ये मेरे बाबा का आला। जज़ाकुम रब्बुकुम अज़ादारो।
अरे ये तेरे मेरे बाबा का आलम तेरे हाथ में कैसे आया? कब बच्चे जरा ये तो बता कि तू कौन है? अरे क्या तू मुझे नहीं पहचानता? मैं अब्बास आलमदार सिपा सालार लश्कर हुसैनी अब्बास का बेटा हूँ। अजीज हो ज़ईफ़ा करीब आ गई और करीब आने के बाद कहती है मनादी क्या ऐलान कर रहा है? कहा हुसैन मारे गए। अरे कौन हुसैन मारे गए? किस हुसैन की बात करता है? कहा दिल बंदे फातिमा लखते जिगरे अली नवासा रसूल हुसैन मारे गए। अजीजो अजीजो लफ्ज़े ये हैं कि जैसे ही ये सुना ज़ईफ़ा ने एक मर्तबा नजफ का रुख किया। ए नजफ में सोने वाले अली गवाह रहना हुसैन मारे गए, मैं अब्बास का दूध न बख्शूंगी। अब जो इतना कहा रिवायत बताती है कि एक मर्तबा बशीर ने कहा बीबी ये ना कहना इसलिए कि जब हुसैन मारे गए तेरा गाजी नहरे फरात पर शाने कठाए हुए सो रहा था। और जितना सुना तो एक मर्तबा उम्मुल बनीन कहते हैं अरे वो कौन हौसला मंद था, वो कौन जरी था जिसने मेरे गाजी के बाजू मुनकता कर दिए। अजीज हो काफला आगे बढ़ा महल्ले बनी हाशिम में पहुंचा, क्या देखा एक जवान है जो सहया जवासा का सहारा लेकर के आगे बढ़ रही है। मालूम हो चुका है लश्कर हुसैनी कत्ल किया जा चुका, काफले हुसैनी के असीर आए हैं। एक मर्तबा सहासा का सहारा लिए हुए ये बीवी आगे बढ़ी और एक मर्तबा जैसे ही बीवियों के करीब पहुंची क्या देखा अरे आवाजे सदाए मातम हुसैन बुलंद है, वाह अली अकबरा की सदाए हैं, वाह अब्बासा का मातम है। बीवियां अपने अपने वारिसों को याद कर रही है अरे ऐसा का सहारा लिए हुए ये बीवी आगे बढ़ी और आगे बढ़ने के बाद कहती है सब मारे गए। अजीजो लफ्जे ये हैं कि जैसे ही जनाब सुगरा ने सुना कि सब मारे गए एक मर्तबा आगे बढ़ करके एक एक बीवी को गौर से देखा, एक एक बीवी की आगोश को देखा, एक मर्तबा जैनब ने कलेजे से लगाया ए मेरे लाल क्या देख रही हो? कहा वो भी अम्मा अगर चचा मारे गए अली अकबर मारे गए कासिम मारे गए ओनो मोहम्मद शहीद कर दिए गए मेरा बाबा मारा गया ए वो भी अम्मा मैं ये देख रही हूँ अरे मेरा चश्मा अली असगर कहा चला गया, अली अकबर कहा चला गया, अली असगर कहा चला गया। एक मर्तबा मेरा बाप आगे बढ़ी ए सुगरा अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां लेकर आई हूं, अली असगर शहीद कर दिया गया ए सुगरा। سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق الزهراء بيها وبعلها وبنيها معبود ہماری اس مختصر سے عبادت و قبول فرما، ہماری لغزشوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے معبود کامل عبادتوں کو طفیل ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما۔ اے معبود زمانہ پر آشوب ہے حفاظت فرما، پرچم اسلام کو بلندی عنایت فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگون فرما۔ اے معبود جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ اے معبود ہمارے مرنے والوں کی مغفرت فرما، ہمیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ رحمت فرما۔ اے معبود درجات کو بلند فرما۔ اے معبود نام اعمال دہنے ہاتھ میں دینا، شفاعت آل محمد نصیب فرمانا۔ اے معبود ظہور امام علیہ السلام میں تعجیل فرما، ناصرین امام علیہ السلام میں شمار فرما، گنہگار آنکھوں کو زیارت امام علیہ السلام نصیب فرما۔